के तीन युवक पहुंचे दरभंगा। दरभंगा के ऐतिहासिक स्थलों का करेंगे भ्रमण। एयरपोर्ट पर सेवा शुरू होने के बाद दरभंगा और उसके आसपास पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। न सिर्फ देश के विभिन्न इलाकों में बल्कि विदेशों से भी लोग दरभंगा पहुंचने लगे हैं। फ्रांस से तीन युवक फैबियन, लियोको और वेंडसन अपने भारतीय मित्र के मार्गदर्शन में दरभंगा पहुंचे। इनमें से एक युवक मुंबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत है और वो अपने दो अन्य दोस्तों के साथ दरभंगा पहुंचे। तीनों फ्रेंच युवक दरभंगा घूमने को लेकर बहुत उत्साहित दिखे। मुजफ्फरपुर के रहने वाले मोंटी ने बताया कि तीनों फ्रेंच युवक उसके साथ दरभंगा के ऐतिहासिक स्थलों को देखने मुंबई की फ्लाइट से आए हैं। ये लोग दरभंगा राजकिला, लक्ष्मी विलास पैलेस, नरगौना पैलेस, राज परिसर और ललित नारायण मिथिला विवि परिसर देखेंगे। उसके बाद वे लोग वैशाली जाएंगे। उसने बताया कि सभी दो दिन की ट्रिप पर बिहार आए हैं। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 8 नवंबर 2019 को उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। यहां से सबसे पहले तीन शहरों मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के लिए स्पाइसजेट ने सेवा शुरू की थी। उसके बाद इस एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त और आय देने वाला एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ से फिलहाल इंडिगो और स्पाइसजेट के दर्जन से ज्यादा फ्लाइट संचालित कर रही है। लोग अभी घूमने फिरने आए हैं बिहार से। ये लोग सारे सबके सब फ्रांस से हैं और यहाँ बिहार घूमने आए हैं। इनको वैशाली, दरभंगा महाराज का किला, यहाँ की मिथिला पेंटिंग और जो भी हमारी हिस्ट्री है वो सब घुमाना फिराना है। तो इस दो दिन का इनका ट्रिप है और इनका ये यहाँ बिहार में पहला लोग। क्या नाम है इन लोगों का? ये फैबियन है, फैबियन से है, हाय मेरा नाम फैबियन है, विंसेंट एंड ल्यूका। एक मिनट बता दीजिए ना भैया, तो ये लोग को क्या दरभंगा में और क्या क्या घुमाएंगे? दरभंगा में इनको अभी स्टार्ट करेंगे दरभंगा महाराज से एंड वहाँ पे लंच है, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला पेंटिंग, ये सब घुमा फिरा के फिर कल इनको वैशाली लेके जाना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।